हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ जीरो से हीरो बैच हम कर रहे हैं ठीक है जीरो से हीरो बैच कर रहे हैं आज के अंदर हम फिफ्थ क्लास की बुक पूरी करेंगे भाई के वी एस की ठीक है फटाफट करेंगे एक तरीके से आपकी रिविजन है और आपको पता चलेगा कि फिफ्थ क्लास में क्या क्या है ठीक है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं तो भाई उनको उनके लिए जो है अपनी कॉपी पेन हाथ में ले लो और जो मेन मेन जो मेन मेन पॉइंट है उनको मैं आपको नोट करवा दूंगी आप करते हुए जाना ठीक है तो चलते हैं क्लास को करते हैं स्टार्ट देखो सबसे पहले फिफ्थ क्लास में आपकी छः यूनिट हैं कितनी यूनिट है छः यूनिट हैं ठीक है ठेके? तो छः यूनिट हैं आपकी सबसे पहले है टेबल को इंसर्ट करना वर्ड के अंदर हम टेबल को कैसे इंसर्ट करवाते हैं ठीक है फिर जो है टेबल को जो है ओरिजेंटल वर्ट वर्टिकल मर्ज कैसे करते हैं स्प्लिट कैसे करते हैं ये सारी चीजें हम सीखेंगे इसके अंदर फिर सेकेंड यूनिट में हम ये सीखने वाले हैं मोर इन वर्ड कि आप सपोज आपने पैराग्राफ लिखा है उसको जो है आपको कॉपी करना मूव करवाना पेस्ट करवाना उसके कलर को चेंज करना लेफ्ट राइट सेंटर ये सारी चीजें हम सीखेंगे इंडेशन वगैरह सीखेंगे फिर थर्ड है आपके एक्सेल के साथ जैसे सीट वगैरह शीट कैसे होंगी शीट को कैसे क्रिएट करेंगे रीनेम कैसे करवाएंगे कॉपी मूव कैसे करवाएंगे ये सारी चीजें हम यहां पर करने वाले हैं उसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट है मल्टी ठीक है तो देखो फिफ्थ क्लास में ही आपका मल्टी आ गया है कौन सी मीडिया आ गया आपका फिफ्थ क्लास में ठीक है उसके बाद हम बात करें फिफ्थ यूनिट है आपकी प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड्स वगैरह हम कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे और लास्ट आपकी यूनिट है इंटरनेट ठीक है तो इंटरनेट को देखने वाले हैं तो ये है आपका फिफ्थ क्लास के छह

कर दो पंद्रह अक्टूबर लास्ट डेट है ठीक है मैं बता देती हूं इसका सिलेबस हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे उसके बाद सेकेंड थिंग जो है आपकी राजस्थान की वैकेंसी आने वाली है तो राजस्थान की भी तैयारी जो है ये जो सिलेबस हो रहा है ना ये सारा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद जो है आपका ए एम का एग्जाम भी आ सकता है उसके बाद आपका एसट तो आ ही रहा है अक्टूबर नवम्बर में फिर आपका एच एस एस आ रहा है तो सारे के सारे एग्जाम है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा पास हैं आपके ऐसा मत सोचो कि एग्ज़ाम तो है ही नहीं हम क्या पढ़ें किस एग्जाम के लिए पढ़ें ठीक है यूपी लेक्चरार का एग्जाम आपका बारह दिसंबर को है तो आप देखो ये पंद्रह अक्टूबर को फॉर्म भरा जा रहा है उसके बाद आपका एग्जाम भी फटाफट हो जाएगा बस बहुत ही अच्छा है मुझे सबसे अच्छा लगा यूपी का सिलेबस जो कि हम जल्द ही नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है

लगेगा 299 प्राइस है एनएस 50 कोड यूज करना तो आपको जो है 149 रुपीस में आ, दो जो है डेढ़ सौ रुपए में पंद्रह पंद्रह पेपर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू तो आपके एज पर जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये था पूरा भाई आपका आ, जितना भी अभी चल रहा है वैकेंसी आने वाली है जो भी है वो मैं सब बता चुकी हूँ अब हम बात कर लेते हैं हमारे आ, के, फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वर्ड की कि वर्ड में टेबल ठीक है तो टेबल बहुत ही आसान है रो कॉलम ये सभी को पता है ठीक है तो फटाफट -फड़ मैं एक बार आपको जो है वर्ड ओपन करके दिखाती हूँ ये आपका वर्ड है भाई ठीक है ये पूरा वर्ड है आपका अच्छे से देख लो और इसमें जो है आपका देखो फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू ये सारी चीज़ें हैं ठीक है अगर आप जो है कोई भी

अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है रो और कॉलम क्या पूछ रहा है रो और कॉलम ठीक है तो आप सभी को पता है कि भाई इस तरीके से आपकी टेबल होती है जिसमें इस तरीके से आपके जो है रो और कॉलम होते हैं ठीक है ये पता है आपको तो वही पूछ रहा है कि कितने कॉलम लेने हैं कितनी रो लेनी है तो भाई अब यहाँ पे देख देख सकते हो पांच कॉलम है तो सपोज मैं यहाँ पर छ कॉलम छ रो ले लेती हूँ ठीक है तो मैंने यहाँ पे छह रो ले लिया ठीक है अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ तो इस तरीके से आपके पांच कॉलम और छह रो आ चुकी है ठीक है अब देखो अगर आपको डिजाइन करना है तो आप डिज़ाइन में जा सकते हैं इस तरीके से टेबल के ऊपर डिजाइन देखो इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं ठीक है आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए नॉर्मल मैं आपको टेबल समझा रही हूँ तो वो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ ठीक है अब देखो टेबल क्रिएट हो चुकी है अब हम चलते हैं वापस कि आगे क्या वो बोल रहा है तो नॉर्मल जो है इंट्रोडक्शन है डी स्टूडेंट इन वी वी लर्न टेबल इन एमएस वर्ड फर्स्ट वी गोइंग टू सी व्हाट इज एमएस वर्ड एक्चुअली ठीक है तो यही है आपका इंसर्ट है टेबल टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट के सेक्शन में जाना है और इस तरीके से जो है आपको रो और कॉलम को इंसर्ट करना है ठीक है यहाँ पर भी आपकी जो है टेबल इंसर्ट हो चुकी है तो यूज अ टेबल कमांड ठीक है तो ये इंसर्ट वाले पे जाओगे और फिर जो है आपको कितनी रो कितने कॉलम चाहिए हम ये अभी, अभी मैंने आपको दिखाया ना तो सेम चीज है अब इंसर्टिंग न्यू रो एंड कॉलम अगर आपको नई रो मतलब आप चाहते हो भाई स्टार्टिंग में आपको लग रहा था तीन रो से मेरा काम चल जाएगा लेकिन तीन चार रो से आपका काम नहीं चला आपको दो चार रो और एड करवानी है तो भाई आप क्या करोगे तो आप क्या करोगे ठीक है तो हम जाएंगे लेआउट के सेक्शन में ठीक है देखो अगर आपको अब ऊपर ऐड करवानी है तो ऊपर नीचे करवानी है नीचे लेफ्ट में करवानी है लेफ्ट में राइट में करवानी है राइट में इस तरीके से जो है आप ऐड कर सकते हो देखो ऊपर ऐड हो गई नीचे ऐड हो गई लेफ्ट में कॉलम हो गया ठीक है राइट में हो गया ठीक है इस तरीके से आपका तो हो गया आपको सेल को मर्च करना है सपोज ये वाला जो सेक्शन है मुझे इसको सेल को मर्च करना है एक साथ करना है इकट्ठा इस बॉक्स को पूरे को मुझे एक बनाना है तो कर दो ठीक है तो ये आपका पूरा जो है एक ब्लॉक बन गया स्प्लिट करना है इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते देखो अब ये पूरा बॉक्स है मुझे इसको जो है दो कॉलम और एक रो में करना है आप कितने में भी कर सकते हो नॉर्मल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं तो इस तरीके से मैंने इसको जो है ब्रेक कर दिया टेबल को स्प्लिट करना है ठीक है उसके बाद जो है इस तरीके से आप कर सकते हो समझ में आया तो वापस आ जाओ यहीं पे इंसर्ट करवा दिया आ, मर्च करवा दिया ठीक है इसके बाद है फिलिंग द कलर अगर आप कलर को फिल करना चाहते हैं तो चलते हैं वो भी बता देती हूँ तो देखो अगर आप कलर को फिल करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे देखिए ठीक तो है तो आपको जाना है डिजाइन के सेक्शन पे जैसे डिजाइन के सेक्शन पे जाओगे और सपोज मुझे जो है मुझे ये वाली जो सेल है इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ठीक है अब मुझे इसमें कलर करना है मैंने ये वाला जो है कलर यहाँ पे कर दिया ठीक है अब सपोज मुझे यहाँ पे कलर करना है तो भाई वापस जो हम शेडिंग में जाएंगे और इस तरीके से जो है हम इसको कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे देखो फिर जो है मुझे बॉर्डर बॉर्डर आप कैसा भी बना सकते हो ठीक है तो इस तरीके से कर सकते हो आप एक सेकेंड फिर से जो है मुझे कलर की शेड करनी है अब मैं पहले सेलेक्ट करूंगी तभी होगा ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे ही कहीं पे भी कर दो जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे सेल को तब तक आप नहीं कर सकते ठीक है तो पर्टिकुलर जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो इस तरीके से जो है आप कलरिंग कर सकते हो पर्टिकुलर सेल में कलर फिल कर सकते हो तो इस तरीके से हो गया फिर अलाइनमेंट इन टेबल एंड वर्टिकल एंड होरिजेंटल ठीक है तो भैया आप सेंटर अगर आप कुछ कर रहे हो जैसे मैंने सपोज यहाँ पे लिखा वन वन फिर जो है मैंने एक सेकेंड यहाँ पे वन लिखा ए लिखा फिर यहाँ पे मैंने वी लिखा फिर यहाँ पे बी लिखा फिर यहाँ पे जेड एक सेकेंड यहाँ पे एम लिखा ठीक है ये है तो अब जो है मुझे इसको क्या करना है अब देखो ये मैंने यहाँ पे है अब इसको सेलेक्ट किया अब मुझे इसको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में आ गया सेंटर में करना है सेंटर में आ गया इसमें करना है इसमें आ गया ठीक है तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो समझ में आया यहां से भी जो है आप कलर वगैरह फिल अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिजाइन के सेक्शन में जाना है ठीक है बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो इटाली करना है इटाली कर सकते हो अंडरलाइन करनी है अंडरलाइन कर सकते हो इस तरीके से जो है आप नॉर्मली कर सकते हो इसके बाद जो है आपको आप इस तरीके से कर सकते हो ठीक है आपको इस तरीके से करना है आप इस तरीके से कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो ठीक है यहाँ पे डबल लाइन आ गई नीचे देखो ये कलर आ गया है तो आप इस तरीके से आराम से जो है इनको कर सकते हो ठीक है अब वापस चलते हैं वहीं पे आप देखो टेबल का बॉर्डर टेबल का अगर आपको बॉर्डर लगाना है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अगर आपको टेबल का बॉर्डर करना है तो आप लेआउट के सेक्शन डिजाइन के सेक्शन में जाएंगे और ये जो है ये ये इस तरीके से ये बॉर्डर है अभी आपके यहाँ पे कलर हटेगा ये बॉर्डर आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है इस तरीके से ठीक है तो ये बॉर्डर है आपके सारे जो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना फिर तो ड्रॉ टेबल देखो एक बार करके देख लेना इनको बहुत ही आसान है तो टेबल को वही है, में, टेबल को टैब में में जाएंगे करेंगे इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया है ना फिर जो है असाइनमेंट है असाइनमेंट में क्या करना है आपको टेबल को क्रिएट करना है फिर जो है ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग पेज बॉर्डर एंड अदर ऑप्शन ठीक है तो बस इसमें तो कुछ था ही नहीं होमवर्क भी नहीं था आपका बस नॉर्मल टेबल ही थी अब हम बढ़ते हैं आगे मोर इन वर्ड ठीक है और देखते हैं वर्ल्ड के अंदर क्या है बहुत ही बेसिक है भाई ठीक है इतना ज्यादा क्या बताऊं मैं अब आप इसको इसके बारे में क्योंकि आप भाई ये ग्रेजुएशन बेस्ड बच्चे हो कोई मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ इसलिए जो है इतना तो मुझे लग रहा है कि मेन मेन चीजें बहुत हैं है ना अब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि पैराग्राफ क्या है सिलेक्ट कैसे करते हैं मूव कैसे करते हैं कॉपी पेज लेआउट अब इसमें जो मेन मेन शॉर्टकट की हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ बाकी आप खुद करके देख लेना पेज का साइज पेज बॉर्डर ये सारी चीजें ठीक है इंडेंटेशन रेप टेक्स्ट पोजिशनिंग इमेज ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं सबसे पहले देखो आप इस तरीके से पैराग्राफ लिखोगे आपने पैराग्राफ लिखा ठीक है पैराग्राफ लिखने के बाद आप उसको बोल्ड कर सकते हो तो टैली तो कर सकते हो कलर चेंज कर सकते हो साइज बड़ा कर सकते हो छोटा कर सकते हो, कैपिटल में फिर जो है आप सिलेक्ट करवा सकते हो सिलेक्ट में आपको कॉपी करवाना है वो करवाना है तो देखो एनी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक वेयर यू वांट टू द सिलेक्शन होल्ड बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट ठीक है तो लेफ्ट साइड जो है आपको करना है और ड्रैग करना है जो भी आपको करना ठीक है थेके? फिर जो है वर्ड है डबल क्लिक करोगे किसी वर्ड पे आ जाएगा फिर लाइन ऑफ टेक्स्ट हो गया सेंटेंस हो गया पैराग्राफ हो गया ये सारी चीजें कैसे कैसे आएंगी ठीक है अब देखो यहाँ पर अब ये देखो, ये देखो जो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा ये देखो एक तो क्वेश्चन आपका आपको ये आता है, कि अगर आपको वन करेक्टर टू द राइट अगर राइट तो right, right में आपको एक करेक्टर को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे शिफ्ट के साथ आप राइट right प्रेस करोगे देखो ये शिफ्ट है और शिफ्ट के साथ मैंने जो है राइट right प्रेस किया इस तरीके से आप कर सकते हो ठीक है तो आप राइट में चले जाओगे वन करेक्टर लेफ्ट में जाना है तो शिफ्ट के साथ आप लेफ्ट एरो को प्रेस करोगे फिर अगर आपको वर्ड फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू एंड ठीक है बिगिनिंग टू एंड मतलब स्टार्टिंग टू एंड जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो आपका you, आप यूज करोगे फिर जो है आपको लाइन फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू एंड ठीक है तो यहाँ पे वर्ड सॉरी यहाँ पे जो है वर्ड की बात हो रही थी कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्लस राइट एरो अगर आप जो है वर्ड इट्स बिगनिंग टू इट्स एंड मतलब स्टार्टिंग से एंड में जा रहे हो तो आप राइट right का यूज करोगे और अगर आप लास्ट से जो है बिगनिंग में आ रहे हैं मतलब तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो आप लेफ्ट का यूज करेंगे ठीक है तो लाइन यहाँ पे जो है वर्ड की बात हो रही थी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइन की तो यहाँ पे प्रेस होम एंड देन प्रेस शिफ्ट प्लस एंड ठीक है फिर लाइन फ्रॉम इट्स एंड टू बिगिनिंग यहां परिगिनिंग टू एंड था यहाँ पर एंड टू बिगिनिंग है इसके लिए आप एंड प्रेस यूज करोगे और उसके साथ शिफ्ट प्लस होम का यूज करेंगे ठीक है इस तरीके से आपको यूज करना है वन लाइन अगर डाउन जाना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो अप जाना है तो शिफ्ट के साथ अप एरो पैराग्राफ के लिए आप क्या करोगे नाउ पॉइंट टू बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ देन प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन की ठीक है तो बिगिनिंग टू एंड फिर जो है पैराग्राफ फ्रॉम इट्स बिगनिंग ये इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में अगर आप पैराग्राफ मतलब एंड से बिगनिंग में जा रहे हो ठीक है नीचे से मतलब नीचे से ऊपर आ रहे हो ये पैराग्राफ बिल्कुल नीचे है अब सपोज ये एंड है और आपको ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप का यूज करेंगे ठीक है अब जो है एंड टू इट्स बिगनिंग

प्रेस टू टर्न ऑफ द सिलेक्शन मोड ठीक आप अगर पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ और डॉक्यूमेंट करना है तो आप एफ एट का जो है टर्न ऑन सिलेक्शन मोड देन वंस टू सिलेक्ट वर्ड देन ट्वाइस अ ट्वाइसलेक्ट जो है सेंटेंस थ्री टाइम और फोर टाइम ऑफ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट ठीक है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो वंस करेंगे तो वर्ड होगा ट्वाइस करेंगे सेंटेंस होगा थ्राइस करेंगे तो पैराग्राफ होगा और जो है आपको फोर टाइम करोगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ठीक है तो ये चीजें हैं उसके बाद है मूविंग मूविंग करना है तो आप पहले कट करोगे कॉपी करोगे मतलब या तो आपको कट करके कहीं पर पेस्ट करोगे या फिर आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस वी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी ठीक है सॉरी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी ये कॉपी हो गया आपका आराम से कर सकते हो भाई इतना मुझे लग नहीं रहा कि मुझे करवाने की जरूरत है फिर आप पेज लेआउट मेन्यू में जाओगे तो द डॉक्यूमेंट अपियर वैन इट इज प्रिंटेड वर्ड पेज लेआउट इंक्लूड एंड एलिमेंट सचैसे थीम पेज सेटअप पेज बैकग्राउंड पैराग्राफ ये सारी चीजें फिर जो है आपकी मार्जिन की सेटिंग वगैरह आ जाएगी ठीक है मार्जिन लाइक लेफ्ट में राइट right में नीचे ऊपर आपको कितना मार्जिन छोड़ना है वही ठीक है अब ओरिएंटेशन की बात आ गई तो यू कैन चूज आई इधर पोट्रेट एंड और लैंडस्केप वर्टिकल और होरिजेंटल ओरिएंटेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट पेज लेआउट टेप पेज लेआउट ग्रुप क्लिक ओरिएंटेशन ठीक है और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है भी क्योंकि देखो बेसिक है आजकल एग्जामिनर बहुत चीज़ें जो है पूछ रहा है तो पेज का साइज जो लीगल पेज का साइज़ होता है वो ए फोर होता है पेज साइज रेफर द एरिया ऑफ पेपर और शीट पेज साइज द पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग चूज अ पेज साइज ठीक है तो यहाँ सेटअप आप यूज करोगे तो पेज साइज दैट यू वांट फ्रॉम एग्जांपल लेटर जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट इलेवन ठीक है तो बाय डिफॉल्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कितने पेज जो जो साइज होगा पेज का वो कितना होगा एट पॉइंट फाइव पॉइंट इलेवन इंच का होता है जो कि स्टैंडर्ड साइज आप कहते हो कॉल्ड लेटर ठीक है क्लियर है भाई और सम मोर स्टैंडर्ड पेपर साइज लाइक ए फोर एट पॉइंट टू सेवन इंटू इलेवन पॉइंट लीगल जो है एट पॉइंट फाइव इंटू फोर्टीन तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पूछ सकता है कि पेज का जो साइज है बाय डिफॉल्ट कितना होता है तो ये जो है इम्पोर्टेंट है और जो शॉर्टकट की मैंने बताई वो इम्पोर्टेंट है ठीक है बाकी आपको इतना कुछ है नहीं यहाँ पे पेज का बॉर्डर आप आराम से कर सकते हो जस्ट अभी हमने देखा था फिर इंडेंटेशन वही है लेफ्ट राइट सेंटर वाला ठीक है तो ये आपका इंडेंट मैंने आपको बताया था ना जब जो जितना भी आप दोगे वो उतना यहाँ पर हो जाएगा ठीक है फिर रैप टेक्स्ट एंड पोजिशनिंग इमेज मतलब आपको टेक्स्ट को रैप करना है और इमेज को तो एम एस ऑफिस रैप यू वांट टू रैप टेक्स्ट इजीली अराउंड पिक्चर शेप एंड टेबल विद एनी पोजिशन ऑफ स्टाइल यू वांट, ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हो इमेज को कर सकते हो छोटा बड़ा कर सकते हो जहां पर साइज करवाना है वहां पर कर सकते हो ठीक है असाइनमेंट है आपका असाइनमेंट में कुछ नहीं है डिजाइन करना है पेज मैनी पैराग्राफ सिलेक्शन मूव ये सारी चीजें करके देखनी है ये सब तो आपने कर किया हुआ है ठीक है तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भाई अलग से कुछ करवाने की जरूरत है ठीक है अब देखो वर्किंग इन एक्सेल एक्सेल में आप कैसे जो है काम करते हो एक्सेल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सेल को समझ लो ठीक है हाँ जी अब देखो इसमें हम करने वाले हैं कि शीट को कैसे क्रिएट करते हैं डिलीट कैसे करते हैं रीनेम कैसे करते हैं कॉपी और मूव कर कैसे करवाते हैं इंसर्ट सर्ट और कॉलम कैसे करेंगे डिलीट कैसे करेंगे हाइट और विथ कैसे चेंज करेंगे ठीक है तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो सबसे पहले जब आप वर्क जो जब आप एक्सेल को ओपन करते हो ना तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देता है ठीक है तो वर्किंग विद शीट जब आप शीट के साथ काम करते हो तो सबसे पहले देखो वर्कशीट होता क्या है क्या होता है वर्कशीट तो वर्कशीट जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल होता है कलेक्शन ऑफ सेल होता है

किसी को नहीं पता जिसको पता है बहुत ही अच्छी बात है जिसको नहीं पता वो उसको, उसको पता हो जाना चाहिए देखो बाई डिफॉल्ट वन टू और थ्री तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपकी तीन शीट होती हैं और प्लस जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से प्लस का साइन होता है जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एक और शीट आ जाएगी इस तरीके से करोगे एक और आ जाएगी मतलब तो नंबर ऑफ आप कितनी भी शीट क्रिएट कर सकते हो लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको आपके पास तीन ही शीट होती है अब देखो ये तो था प्लस का साइन लेकिन एग्जामिन ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई इसकी शॉर्टकट अब आपसे शॉर्टकट की भी पूछ सकता है कि भाई शीट को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट क्या है तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एस इलेवन क्या है शिफ्ट के साथ आप क्या प्रेस करोगे F11 तो ये आपकी क्या है शॉर्टकट की है जो आप आई से प्रेस करोगे तो आप कितनी भी नंबर ऑफ शीट को जो है क्रिएट uh, कर सकते हो क्लियर है भाई ठीक है तो इतना क्लियर है अब देखो इंसर्ट अ वर्कशीट जब आप इंसर्ट करते हो तो हाउ मेनी इंसर्ट मेनी वर्कशीट एज यू वांट ठीक है टू क्विकली इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट क्लिक द इंसर्ट वर्कशीट टैप द बॉटम ऑफ द विंडो देखो यहाँ पे जो है मैंने शीट का नाम चेंज किया और क्या कर दिया सीरीज टू ठीक है तो आपको जो भी आप बना रहे हो आप उस तरीके से जो है उसका नाम दे सकते हो डिलीट कर सकते हो राइट क्लिक करके जो है आप जो भी शीट आप डिलीट करना चाहते हो कर सकते हो आप देखो इस तरीके से कर दिया रीनेम करना हो रीनेम कर सकते हो देखो री री नेम का नाम है इंसर्ट का नाम है जो भी है आप आराम से कर सकते हो ठीक है मूव करवा सकते हो तो रीनेम रीनेमिंग कर सकते हो इस तरीके से रीनेम कर दिया ठीक है कॉपी और मूव करवा सकते हो देखो ये बहुत ही बेसिक है और इसलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही क्योंकि ये बस एक मैं को एक बस ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे ठीक है तो कॉपी और मूव करवा सकते हो मैं बस ये सोच रही हूँ आपको पता होगा क्योंकि पाँचवीं क्लासी बुक है और ये बहुत ही बेसिक है ठीक है मूव करवा सकते हो मूव और वर्कशीट आप इस तरीके से कर सकते हो देखो यहाँ पे शीट फोर है ये शीट टू है मुझे शीट फोर को यहाँ लाना है तो ये यह यहाँ पर आ जाएगी शीट टू यहाँ शीट थ्री यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से आप कर सकते हो इंसर्टिंग न्यू रो और कॉलम आप जो है रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो और हमसे हाँ कर सकते हो ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप जो है राइट right क्लिक करके देन क्लिक साइड इंसर्ट करोगे आप इस तरीके से कर देना ठीक है यू कैन परफॉर्म नाउ सेम ऑपरेशन फिर डिलीट और हाइड कर सकते हो रो और कॉलम को करके देख लेना अभी ठीक है उसके बाद है हाइडिंग द और कॉलम चेंजिंग द विथ हाइट ऑफ कॉलम बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करवा देती हूँ देखो ऑन अ वर्कशीट यू कैन स्पेसिफाई द कॉलम विर्थ ऑफ जीरो वर्कशीट होता है जिसके अंदर आपकी जो कॉलम की विथ होती है वो जीरो से लेकर दो सौ पचपन तक होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए ठीक है द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ करेक्टर दैट कैन यू डिस्प्ले अ फॉर्मेटेड बाई स्टैंडर्ड फॉर्म द डिफॉल्ट कॉलम जो विथ जो बाई जो कॉलम की विथ होती है वो होती है एट पॉइंट फोर थ्री करेक्टर कितनी होती है बाय डिफॉल्ट कॉलम की जो विड्थ होती है वो 8.43 होती है ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसी बेसिक चीजें आपसे पूछ सकता है और आप कुछ यार ये क्या पूछ लिया है ना और कॉलम हैज अ विड्थ टू जीरो एंड कॉलम इज हिडन ठीक है

सेट अ कॉलम स्पेसिफिक वर्ड इस तरीके से आप कर सकते हो तो फाइंड द डेटा मतलब आप जो है फाइंड जब आप सेलेक्ट करोगे डेटा को तो आप अप्रोक्सीमेट जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि भाई मैंने नंबर दे दिया फिर मैंने जो है उसमें डाला कि भाई मुझे जो है 80 से अबाउव चाहिए या 70 से ब्लॉग नंबर चाहिए तो वो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे देखो इसने डाला कि एट्टी से अब चाहिए तो इसने जो है सिर्फ उन्हीं को जो एट्टी से अब है उनको जो है येल्लो कर दिया ठीक है फिल्टर वगैरह करवा सकते हो आप इस तरीके से कस्टम ऑटो फिल कर सकते हो ठीक है फाइन सेल बेस्ड ऑन सर्टेन सर्टेन क्राइटेरिया विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सारी चीजें ठीक है इतना ज्यादा इसमें है नहीं तो मेन मेन था वो मैंने बता दिया दे। अब देखो व्यू मेन्यू तो व्यू मेन्यू में जब आप जाओगे ग्रिड लाइन क्या होती है आपको ग्रिड लाइन आपके बारे में आपको पता होना चाहिए ग्रिड लाइन आर द फेंट लाइन दैट अपियर सेवन दे आर यूज टू डिस्टिंक सेल और वर्कशीट ठीक है मतलब ये जो है डिस्टिंट मतलब अलग करने के लिए सेल मतलब वर्कशीट के अंदर ठीक है ग्रिड लाइन डू नॉट प्रिंट बाई डिफॉल्ट ग्रिड लाइन जो है वो बाई डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होती है ठीक है शोर हाइड ग्रिड लाइन ऑन वर्कशीट हाइड ग्रेड लाइन ऑन वर्कशीट इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो इस तरीके से ये शो हो सकती हैं तो आप कोई कुछ भी कर सकते हो ठीक है तो आपकी ग्रेड लाइन है तो शो करना हो शो कर सकते हो हाइड करना हो हाइड कर, कर सकते हो बाय डिफॉल्ट जो है ये प्रिंट नहीं होती है ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आ सकता है ट्रू और फॉल्स में कि ग्रिड लाइन बाई डिफॉल्ट होती है या नहीं होती है इस तरीके से बेसिक्स पूछ सकता है फिर है फ्रिज पेन तो टू के टू कीप एन एरिया एरिया ऑफ ऑफ वर्कशीट वर्कशीट विजिबल यू टू अनदर मतलब आप जो है किसी एरिया को कीप रख रहे हो वर्कशीट टू विजिबल यू अनदर एरिया ऑफ वर्कशीट यू कैन लॉक स्पेसिफिक रो और कॉलम इन वन एरिया बाई फ्रीजिंग और स्प्लिटिंग पेन ठीक है तो यहाँ पर आप देखो यू कैन फ्रीज मेन यू कैन यू कीप स्पेसिफिक रो और कॉलम विजिबल वेन यू स्क्रोल इन अ वर्कशीट तो ये हो गया गुड़िया रो रही है भाई तो फ्रिज पेट लॉक स्पेसिफिक रो और कॉलम ठीक है तो आप इस तरीके से कर सकते हो उसके बाद व्यू साइड बाय साइड आप साइड बाय साइड जो है चेक कर सकते हो सिंक्रोनाइजिंग स्क्रोलिंग ठीक है इफ यू वॉन्ट टू तो कंपेयर द डेटा जब आप डेटा को सेवन करते हो तो थ्रो द एक्सेल फाइल टू तो दैट द ऑप्शन सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग अंडर विच व्यू साइड बाई साइड सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग दिस ऑप्शन लेट यू स्क्रोल बोथ फाइल एंड सेम टाइप देखो यहाँ पर व्यू साइड बाई साइड उसका जो है सिंगरों स्क्रोलिंग दोनों जो है एक साथ हैं ठीक है, है? व्यू के अंदर अब जो है इसी के साथ आपका जो है थर्ड एक्सेल वाला जो है ये भी खत्म हो गया है इसमें असाइनमेंट है क्रिएट फाइव शीट वर्कबूर्ट द नेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब फाइव शीट आपको बनानी है डिजाइन वर्कशीट हैविंग है डेटा एटलीस्ट ट्वेंटी स्टूडेंट फाइंड द रिकॉर्ड हैविंग मार्क्स बिटवीन टू सारी चीजें हम कर चुके हैं अब हम पढ़ेंगे हमारी फोर्थ यूनिट जो कि मल्टीमीडिया के ऊपर है ठीक है मल्टीमीडिया मतलब तीन यूनिट हो चुकी है आधा आधा सिलेबस और है वो और हम कवर करेंगे फटाफट ठीक है हाँ जी मल्टीमीडिया देखो भाई मल्टीमीडिया में क्या पढ़ेंगे डेफिनेशन uh, क्या होती है यूज़ क्या होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या रिक्वायर्ड है मीडिया प्लेयर क्या है हाउ टू ओपन यूज़ साउंड रिकॉर्डर मूवी मेकर ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं देखो मल्टीमीडिया आज के टाइम में नावर डे यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर फील्ड के अंदर मल्टीमीडिया बहुत ही uh, क्योंकि टेक्स्ट हो गया इमेज हो गया ग्राफिक्स हो गया एनिमेशन हो गया ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर आती हैं मल्टी के अंदर आती हैं और आप सभी को पता है अगर आप आज ऑफिस में हो या फिर आज यूट्यूब पे कुछ करना हो या फिर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब डे टू डे लाइफ में जो है मल्टी मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले रोल प्ले करता है ठीक है तो दे, इंट्रोडक्शन देखो मल्टी मीडिया हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रजेंटेशन अगर आप कोई भी प्रजेंटेशन देते हो विदाउट मल्टी मीडिया वो बहुत फीकी फीकी है क्योंकि जब तक कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं होगी हम भी जो है उसकी तरफ नजर नहीं मारते तो वही जब प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी होगी तभी जो है जब सुनने वाले हैं उनको इंटरेस्ट आएगा एजुकेशन right में, में हम यूज कर रहे हैं डिमांड ऑफ मल्टीमीडिया तो जो, जो आपका इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ है ना क्योंकि इंटरनेट में हम बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं फिर जो हम उसको इंक्लूड करते हैं अपने एजुकेशन में आपके जब स्लाइड बनाते हो प्रेजेंटेशन बनाते हो वहां पर जो आप उनको इंक्लूड करते हो ठीक है तो भाई जो आपका इंटरनेट है उसने इंक्रीज कर दिया किसकी डिमांड को मल्टीमीडिया के डिमांड को ठीक है अब अगर डेफिनेशन की की बात जाए तो मल्टीमीडिया इज द मीडिया दैट यूज मल्टीपल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ध्यान से समझना क्योंकि जब तक आपको उसका पता नहीं होगा कि वो चीज क्या है तब तक आप उसके बारे में और एक्स्ट्रा कुछ नहीं जान पाओगे ठीक है तो मल्टीमीडिया क्या है मीडिया जो यूज किया जाता है मल्टीपल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लाइक टेक्स्ट वीडियो इमेज ग्राफिक्स एनिमेशन ये सारी चीजें टू इन्फॉर्म एंटरटेन Uh, the user multimedia is also referred to use of electronic media to store and experience multimedia. कंटेंट क्लियर है अब देखो यूज क्या होता है जब आपको समझ में आ गया कि मल्टीमीडिया होता है क्या है क्या तो कहां -कहां आप जो है मल्टीमीडिया का यूज करते हैं जैसे कि मैंने कहा कि डेज मल्टीमीडिया जो है हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है तो भाई अगर इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है तो मोस्ट ऑफ द जगह जो है हम उसको यूज कर रहे होंगे कहां कहां पर यूज करते हैं फाइंड यूज ऑफ वेरियस जो है एडवर्टीजमेंट में आर्ट में एजुकेशन में एंटरटेनमेंट में इंजीनियरिंग में मेडिसिन में मैथमेटिक्स में बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च टेम्पोरल अप्लीकेशन तो देखो हर जगह जो है घुस गया है अभी हर जगह उसका यूज हो रहा है तो इसलिए जो है डे टू तो डे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या 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 हार्डवेयर और क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं मल्टीमीडिया के लिए ठीक है क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मल्टीमीडिया से आपके जो है क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम हो चाहे ठीक है तो अब जब देखो फिफ्थ क्लास में ये चीजें आ गई हैं जब आगे आगे जब हाई स्टैंडर्ड जैसे सिक्स सेवन एट जाएगा नाइन टेंथ में तो काफी सारी काफी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर ठीक है तो मैं ट्राई करूंगी कि अगले चार पांच दिन के अंदर हम पूरा केवीएस जो है खत्म कर दे बहुत लंबा हो गया था है ना लंबे टाइम से क्लासेस नहीं आ रही थी बट अब कंटिन्यू आएंगी सीरियसली अब हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं तो वीडियो लाइक तो कर दो यार इतना तो कर दिया करो है ना तो गुड मल्टीमीडिया सिस्टम शुड हैव अ पेंटिनम 1.6 पॉइंट सिक्स गीगा हर्ट और वन विदिलर कैपेबिलिटीज ऑन वर्ड प्रोसेसर एटलीस्ट टू फिफ्टी सिक्स और रैम जो है फोर्टी जी बी एंड ऑन वर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव वन पॉइंट फोर फोर एम बी फ्लॉपी ड्राइव सेवेंटीन इंच ऑन वर्ड एस वी जी ए मॉनिटर ठीक है तो जी ए की फुल फॉर्म बता देना बत्तीस एम कार्ड ठीक है तो बत्तीस बिट साउंड कार्ड हाई सब वूफर स्पीकर वन जीरो फोर पी एस बाई टू की बोर्ड पी एस बाई टू माउस एंड फिफ्टी सिक्स के फैक्स डेटा वॉयस मॉडल इफ यू विश यू कैन एड ए सी डी रिकॉर्डर स्कैनर प्रिंटर डिजिटल कैम ऑर्डर ठीक है एंड वीडियो कैप्चर कार्ड ये सारी चीजें ये सारा आपका हार्डवेयर वाला पार्ट है ठीक है रिमेम्बर देर इज नो सेट ऑफ रूल टू डिफाइन द एक्जैक्ट हार्डवेयर कॉम्बिनेशन मतलब कोई ऐसा तो कुछ रूल नहीं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ठीक है एक्जैक्ट नहीं है मल्टीमीडिया द कॉम्बिनेशन इज डिपेंड ऑन द नेचर एंड कंटेंट ऑफ मल्टीमीडिया मतलब आपके रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डील होती है दैट्स इट ठीक है अब सॉफ्टवेयर की बात की जाए बेसिक टूल सेट ऑफ बिल्डिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट यू कैन डिवाइड इन टू फाइव कटेगरीज लाइक पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल ठीक है सॉफ्टवेयर तो आपको जो है चाहिए पेंटिंग ड्राइंग टूल हो गया थ्री मॉडलिंग हो गई एनिमेशन टूल हो गया इमेज एडिटिंग टूल हो गया साउंड एडिटिंग टूल हो गया ठीक है एनिमेशन वीडियो डिजिटल मूवी टूल द सॉफ्टवेयर इन यूर मल्टीमीडिया टूल किट एंड यूर एबिलिटी टू यूज इट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ यूर मल्टी मीडिया वर्क ठीक है तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर चाहिए भाई इसके अंदर अब देखो मीडिया प्लेयर अब हम बात कर लेते हैं मीडिया प्लेयर के बारे में विंडो मीडिया प्लेयर प्रोवाइड एन इजी टू यूज इंटरफेस टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल ऑर्गेनाइज योर डिजिटल मीडिया कलेक्शन बर्न सीडीज योर फेवरेट म्यूजिक म्यूजिक फ्रॉम सीडी सिंक्रोनाइज डिजिटल फाइल्स टू पोर्टेबल डिवाइसेस एंड शॉप फॉर डिजिटल मीडिया कंटेंट ऑन ऑनलाइन स्टोर ठीक है हाउ टू ओपन एंड यूजन एंड स्टार्ट मीडिया प्लेयर इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है आजकल जैसे फोन मेंवेलेबल है क्या होता है तो यू कैन यूज साउंड रिकॉर्डर टू रिकॉर्डर साउंड मतलब साउंड रिकॉर्डर आप फोन में भी होगा कुछ बच्चों को गाने की आदत होगी तो वो साउंड को रिकॉर्ड करते भी होंगे सुनते भी होंगे कि हमारी कैसी है ठीक है तो सेव इट ऑडियो फाइल ऑन योर कंप्यूटर कंप्यूटर की बात कर रहा है लेकिन सेम आपके फोन में भी है तो अगर आपको फोन के फीचर्स आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा ठीक है यू कैन यूज साउंड रिकॉर्ड साउंड फ्रॉम डिफरेंट ऑडियो वी डिवाइस सच एज माइक्रोफोन दैट प्लग इन टू साउंड कार्ड ये सारी चीजें ठीक है तो ओपन एंड ये सब कर लेना भाई ठीक है अब देखो मूवी मेकर तो यू कैन इम्पॉर्ट फोटोज ठीक है आप देखो आप आ, देखो ये बेसिक चीजें हैं और आपने की भी होंगी आप बहुत सारी फोटो इकट्ठा करते हो उसके पीछे गाना लगा लेते हो फिर फोटो कभी जो है यहाँ से आ रही है वहां से निकल के आ रही है तो वो एक तरीके से क्या बन जाती है मूवी बन जाती है आपके बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं अपलीकेशन आ रही है ठीक है तो यू कैन इम्पोर्ट फोटो फोटोज एंड वीडियो फ्रॉम मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कैराज एंड डिवाइस टू योर पी सी यूजिंग मूवी मेकर यू कैन इम्पोर्ट फोटो एंड वीडियो दे आर कॉपीड फ्रॉम कैमरा डिवाइस टू योर पी सी आफ्टर दैट यू कैन देन यू आर मूवी इन मूवी मेकर दैट विल यू अपीयर इन फोटो गैलरी टू ठीक है तो बस वही है कि आपने बनाया और फिर वो जो है वो आपको सब जगह फोन लग जाती है बस यही है आजकल बर्थडे वगैरह होता है लोग जो है एनिमेट करते हैं बनाते हैं इस तरीके से मूवी वगैरह फिर स्टेटस लगा लेते हैं ना तो बस यही है तो इसमें तो ऐसा कुछ पढ़ाने वाला है नहीं और ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इमेज वगैरह इंसर्ट करना ये सब आपको आता है ठीक है सेटिंग टाइम लाइन तो ये देख लो फॉर डिफरेंट इमेज यू कैन सेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ यू कैन डिस्प्ले ठीक है तो टाइमिंग वगैरह होती है पब्लिशिंग मूवी तो यू कैन एडिट एंड मूवी मेकर यू कैन फैमिली एंड फ्रेंड्स पब्लिशिंग ऑन द वैब ठीक है बस हो गया यही था इससे ज्यादा कुछ नहीं था मतलब बहुत बेसिक था इतना ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आगे मल्टीमीडिया आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा ठीक है ये बहुत ही बेसिक था इतना बेसिक में से क्वेश्चन नहीं आएगा अब देखो पावरफुल प्रेजेंटेशन मतलब स्लाइड्स वगैरह कैसे बनाएंगे ट्रांजिशन अफेक्ट्स वगैरह एनिमेशन रिव्यू करना प्रीव्यू करना ये सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर ठीक है तो पावर पॉइंट इज अ मेड देखो अभी तक जो है कोई भी होमवर्क आपका ऐसा नहीं आया लास्ट में मैं आपको जो है बताने वाली हूँ ठीक है लास्ट में हम कुछ मैं आपको क्वेश्चन दूंगी जो आपको करने होंगे ठीक है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ स्लाइड्स ठीक है बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं आपकी पीपीटी वगैरह बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं इस तरीके से आ, यहाँ पे साइड में भी आपको दिखाता दिखाता रहता है यहाँ से मेन स्लाइड होती है जहाँ पर आप लिखते हो है ना जहाँ पे आप मेन बनाते हो तो आप चार्ट कर सकते हो डायग्राम पिक्चर स्मार्ट ठीक है कुछ भी वहां पर इंसर्ट करवा सकते हो साउंड क्लिप मल्टीमीडिया वीडियो ये सब ठीक है पॉल पॉइंट टू थाउजेंड वेरी वराइटी ऑफ प्रोफेशनल डिजाइन टेम्पलेट थीम्स एंड स्टाइल गैलरीज टू हेल्प यू क्रिएट ग्रेट लुकिंग प्रेजेंटेशन ठीक है टू स्टार्ट पावर पॉइंट टू थाउजेंड फ्रॉम ये सब तो ये सब आपका क्या है पावर पॉइंट है देखो ये साइड में जो है इस तरीके से स्लाइड्स होती हैं ये आपकी यहाँ पर स्लाइड है ठीक है तो ये सब है आपका देखो ये ऑफिस बटन हो गया ये आपका क्विक टूल बार हो गया आ, ये जो है आपकी टैब्स हो गए ये बहुत सारे फिर आपकी रिबन हो गई फिर लिस्ट एंड गैलरीज हो गई फिर ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर हो गया ये आपका मेन एरिया हो गया जहाँ पे आप स्लाइड्स बनाते तो हो स्टेटस बार है ये व्यू बटन है ये जूम कंट्रोल है प्लस माइनस ये वाले ठीक है ये प्रेजेंटेशन विंडो है जहाँ पर आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो ठीक है फिर जो है डिज़ाइन मेन्यू ये सारी चीज़ें तो ये सब आपको पता है डिजाइन में जाओगे इस तरीके से बहुत सारे जो है डिजाइन होंगे स्लाइड्स के डिफरेंट डिफरेंट ना ट्रांजिशन मेन्यू तो ट्रांजिशन में आप इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो ट्रांजिशन अलाउ टू तो गेट क्रिएटिव योर स्लाइड मतलब स्लाइड तो को क्रिएट करना है ना एडिंग ट्रांजिशन देखो ट्रांजिशन की आपके अंदर जो है डेफिनेशन आती है ये मैंने आपको मैंने देखा है ट्रांजिशन की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आई है तो आपको पता होना चाहिए एज ए एडिंग ट्रांजिशन अलाउ यू टू एड ए लिटल फ्लेर बिटवीन द स्लाइड ठीक है तो ट्रांजिशन आर विजुअल इफेक्ट वैन मूविंग वन स्लाइड टू मतलब जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं ना एक सेकेंड हाँ जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं ना तो मतलब कुछ एक ऐसा अलग सा अफेक्ट हो जाता है ऐसे ट्रांजिशन के अंदर तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक वन स्लाइड डिजोल्व स्लोली एजस्ट नेक्स्ट स्लाइड अपेयर यू कैन गेट मोर क्रिएटिव एंड मेक वर वन स्लाइड पुश द ओल्ड स्लाइड यू अफेक्ट दैट लुक डोर्स ओपनिंग टू यर देखो तो ना कि पीछे से स्टार्ट हो गया आगे से या फिर इस तरीके से स्टार्ट हो गया वो सारी ट्रांजिशन है ठीक है डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन स्लाइड्स अलग अलग आप देखो इस तरीके से आप इफेक्ट्स लगा सकते हो ये आपका एनिमेशन हो गया ठीक है ये आपके एनिमेशन में न्यूज हो गए ये वाली चीजें करके दिखाने की जरूरत है क्या दिखाने की जरूरत है ना तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में अब जब आपका नेक्स्ट में भी फिर से वो है तो हम वहाँ पे मैं एक बार बता दूंगी ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेसिकस है और आपको पता होगा ठीक है तो व्यू प्रजेंटे प्रजेंटेशन डिफरेंट वेज तो अलग अलग जो है डिजाइन बने हुए हैं आप अलग अलग जो है बना सकते हो रनिंग अप्रजेंेशन और स्लाइड शो व्यू ठीक है तो ये आपका देखो इस तरीके से स्लाइड शो है यहाँ पे तो स्लाइड शो बिगनिंग से करना है करंट स्लाइड से करना है ये सारी शॉर्टकट की हैं और देखो भाई ये मैं आपको करवा चुकी आप मुझे बताना अगर हमें स्लाइड शो बिगनिंग से करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी है ना अगर मुझे करंट स्लाइड से करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी इन दोनों का जो है आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि क्या है अब जब आप कमेंट करते हो ना तो मुझे लगता है बच्चे यहाँ तक पहुंचे थे वीडियो को देखने के लिए है ना प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन रिव्यू करना प्रिंट करना सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग पेज सेटअप ऑप्शन ठीक है तो ये सारी चीजें हैं हाँ ये देख लो स्लाइड साइज फोर द ड्रॉप डाउन लिस्ट यू कैन साइज यूर साइड यू कैन प्लान टू प्रेजेंट दैम और जो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट विच ऑफ द आस्पेक्ट मतलब जब आप बाई डिफॉल्ट ओपन करते हैं ना तो फोर इंटू थ्री के और रिश्व में होती है अगर आपको सिक्सटीन इंटू सिक्सटी में करना वन इंटू वन में करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है विथ जो है कस्टम विथ ऑफ यू स्लाइड हाइट नंबर ऑफ स्लाइड्स है ना नंबर ऑफ स्लाइड बाई डिफॉल्ट फर्स्ट स्लाइड जो है, है आपकी वन होती है सेट ऑफ ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट लैंडस्केप कैसे भी आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हो प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन uh, अगर आपको किसी को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करवा सकते हो ठीक है शोइंग प्रेजेंटेशन और यूजिंग प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर पे आप शो कर सकते हो तो यहाँ पर दे रखा है किस एफ एन की एफ एट की सेकेंडरी वीडियो आउटपुट ठीक है तो बस इसमें इतना कुछ है नहीं सिर्फ स्लाइड्स के बारे में बताया ट्रांजिशन वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ आपके एग्जाम के लिए है अब देखो लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट ठीक है तो आज हम इंटर... अभी हम इंटरनेट पढ़ेंगे तो इंटरनेट क्या है रिव्यू ऑफ इंटरनेट इंट्रोडक्शन वेब ब्राउजर वेबसाइट सर्च इंजन ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका ठीक है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसको देख लेना थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेबसाइट्स के वी एस विद्यालय की विकीपीडिया एजट्रॉक ये सब क्या है ठीक है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से आ भी जाता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है तो ये पढ़ लो थोड़ा सा और फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका होमवर्क रहने वाला है तो एंड्रॉइड इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट एक बहुत ही बहुत ही वैरायटी ऑफ जो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आप कह सकते हो तो इंटरनेट इज सिंपली द नेट इज़ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क इट इंटर कनेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क ठीक है तो आजकल इंटरनेट के आने के बाद लोगों की लाइफ ही चेंज हो गई लो है लोग बिल्कुल ही ऑनलाइन बन के रह गए मतलब ऑफलाइन तो फिजिकली किसी से कितना कनेक्ट नहीं होता जितना ऑनलाइन जो है लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं तो ओके यूज ऑफ इंटरनेट वही आप ई मेल सेंड कर सकते हो रिसीव कर सकते हो कहीं पर भी कर सकते हो एक जगह से कहीं पर भी अदर कंट्री कहीं पर भी कर सकते हो है ना सेंड अपलोड फोटो रिसीव फाइल्स पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ग्रुप एज आजकल तो इंटरव्यू वगैरह ये सब जो है टेलीफोनिक ही होने लगे जब से जब से कोविड आया है है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन ही है, जो है आपकी आपका काम हो पार्टिसिपेट एंड डिस्कशन ग्रुप ये सब मेलिंग लिस्ट एंड न्यूज पेपर्स इन द वेब ऑनलाइन चैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ई कॉमर्स सोशल नेटवर्क यहाँ पर जो है हम इन सभी जगह जो हम किसका यूज करते हैं इंटरनेट का ठीक है तो हाउ टू एसेस द इंटरनेट इंटरनेट को कैसे एसेस कर सकते हैं तो मेनी स्कूल्स एंड बिजनेस हैव डायरेक्ट एसेस टू इंटरनेट यूजिंग हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन एंड इक्विपमेंट ठीक है स्टूडेंट एंड इंप्लॉय कैन एसेस ऑर्गनाइशनल लोकल एरिया नेटवर्क एंड थ्रू देयर ओन पर्सनल कंप्यूटर ठीक है सबके पास आज के टाइम में मेरे ख्याल से ऑनलाइन सबके पास अपना लैपटॉप वगैरह है या फिर कंप्यूटर है या फिर जिसके पास नहीं है तो भाई फोन तो सबके पास है, है ना फोन है तो भी आप फोन फोन एक तरीके से आप कह सकते हो मिनी कंप्यूटर है काफी सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल है, है ना? तो अनदर वे टू ज द इंटरनेट इज थ्रो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है तो वेब ब्राउजर क्या होता है तो वेब ब्राउजर देखो वंस यू हैव योर इंटरनेट कनेक्शन देन यू नीड अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर ठीक है जब आपके पास इंटरनेट है ना तो आपके पास उसके बाद क्या होना चाहिए वेब ब्राउजर होना चाहिए ब्राउजर पे ही तो आप सर्च करते हैं है ना कि आपको क्या एसेस करना है क्या फाइंड करना वाले क्या कर, करना चाहते हो वेब ब्राउजर आ यूज टू कनेक्ट यू टू रिमोट कंप्यूटर ओपन एंड ट्रांसफर फाइल डिस्प्ले टेक्सटेंड इमेजेस ठीक है इसके बाद वेब ब्राउजर आर स्पेशलाइज प्रोग्राम ठीक है एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर नेटस्किप नेविगेटर इंटरनेट एक्सप्लोर गूगल क्रॉम ये सारे क्या हैं आपके क्या है वेब ब्राउजर आ, program, है बाकी आप एक एडिशनल नाम जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अगर आपको पता है तो हाँ जी नेक्स्ट देखिए वेबसाइट क्या होती है ना वेबसाइट थोड़ा देख लो आ, वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑर्गनाइज वेब पेजेस कंटेनिंग टेस्ट एंड ग्राफिक ठीक है आजकल लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं और उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह और ये सारी चीजें होती हैं गवर्नमेंट जॉब की अपडेट वगैरह देते हैं ये सब क्या है वेबसाइट ही है इसमें काफ़ी सारे वेब पेज पेजेस होते हैं तो वेब क्या है एक वर्ल्ड वाइड वेब है कंसिस्ट सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू को किसने इन्वेंट किया था भाई सेक्शन में बता देना और मैं आपको बता भी चुकी हूँ क्वेश्चन है ना तो कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन वेब पेज कंटेनिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक इमेजेस इट कंटेन हाइपर लिंक ठीक है हाइपर

एच एस एस हरियाणा से एच एस एस की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है डी एस एस बी की वेबसाइट पे जाते हो तो ये सब क्या है वेबसाइट है आपका जो फ्रंट में जो आपको पेज विजिबल होता है वो आपका होम पेज होता है बस बाकी फिर रिजल्ट के सेक्शन में जाते हो डाउनलोड सिलेबस प्रीवियस ईयर तो वो सारा फिर जो है अलग अलग पेजेस जो हैं अप होते हैं ठीक है फिर आपका सर्च इंजन तो ए नंबर ऑफ सर्च टूल्स हैव बीन डेवलप्ड एंड अव अवेलेबल ऑन टू अर्टेन वेबसाइट दैट यू प्रोवाइड सर्च इंजन टू हेल्प टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ठीक है तो याहू हो गया याहू का ही डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट याहू डॉट कॉम गूगल डब्ल्यू गूगल डॉट कॉम आज डॉट कॉम ठीक है अल्टा विस्टा फिर जो है एम एस एन वेब सर्च तो ये सारे जो है आपके क्या है सर्च इंजन है तो ये हो गया फिर एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट वेबसाइट तो आफ्टर नोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेट नाउ यू कैन ओपन एनी वेबसाइट एंड गेट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट ठीक है तो भाई अगर आप आपको वैसे वेबसाइट का पता है आप वेबसाइट पे जाते हो काम करते हो फॉर्म्स भरते हो ऑनलाइन है ना तो ये वही बता रहा है कि किस तरीके से आप ओपन कर दे गूगल क्रोम पे जाओगे गूगल पे जाओगे फिर इस तरीके से फिर केवीएस की वेबसाइट दिखा रखी है आप लोगों को क्योंकि बुक है ये विद्यालय की वेबसाइट फिर विकीपीडिया ठीक है विकीपीडिया क्या है? एक फ्री एंड साइक्लोपीडिया जहाँ पर आप जो है रिटर्न बाय द पीपल हु यूज इट इट इज स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट डिजाइन टू मेक कॉल इजी कॉल्ड अ विकी यू कैन ओपन द विकीपीडिया बाय द वेब एड्रेस दिस ठीक है मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई अगर आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हो है ना काफ़ी डिटेलिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फिर एज क्या होता है जो एजुकेशनल वेबसाइट है विच प्रोवाइड इंट्रैक्टिव स्टडी मेटेर फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स दिस इज इनोवेटेड यूनिक प्रोग्राम मेक यू लर्न इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इजिली बाई यूजिंग द मीडियम ऑफ स्पोर्ट्स ठीक है तो भैया आपकी क्या है स्पेशली जो है क्या है मैथेमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड है ठीक है ये हो गया यह आपका खत्म हो गया यहाँ पर अब हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्वेश्चन है आपके देखो पांच क्वेश्चन है आपके यहाँ पे आ, 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 चार ऑप्शन है जैसे आपका एग्जाम में आता है पहला क्वेश्चन है इज शॉर्टकट टू की कॉपी कॉपी द टेक्स्ट टेक्स्ट को करने के लिए क्या शॉर्टकट की है कमेंट बता देना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या फिर नन ऑफ देम है कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल जो है क्या किसका होता है टेबल एंड बॉर्डर का रो एंड सोसेल का रो एंड कॉलम का या नन ऑफ दीज ओपन है न्यू एम एस वर्ड अगर आप न्यू एम एस वर्ड को ओपन करते हो फाइल को विच शॉर्टकट की विल यू प्रेस ठीक है कौन सी शॉर्टकट की जो है आप प्रेस करोगे अगर आपने नया जो है न्यू एम एस वर्ड फाइल आपने ओपन की है भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आते हैं ठीक है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो आप देखो फिफ्थ क्लास की बुक से एग्जाम में क्वेश्चन आया है विच विच फीचर्स द कंटेंट क्लिप बोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग ठीक है तो क्या होगा पेज स्पेशल फॉर्मेट फॉर्मेटर पेज सेटअप स्टाइल

फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बता देना क्लास uh, कैसी लगी वो भी बता दो ठीक है जल्दी हमने फटाफट फ़्ट रिवाइज कर लिया क्योंकि इतना ज्यादा कुछ था नहीं आपका इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है बाकी दस आठ दस हाँ दस क्वेश्चन हैं आपके है ना सॉरी यहां तक हो गया आगे देखो नेम द पब्लिशिंग मूवी एंड सॉफ्टवेयर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वट डू यू मीन पब्लिशिंग मूवी राइट स्टेप टू कॉपी अ टेबल इन अनदर वर्ड फाइल वट इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर टू रन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट is डैश ठीक है तो ये बता देना दस ये पांच ये पंद्रह क्वेश्चन है, है। आपके होमवर्क के और इन बिटवीन आपका कोई होमवर्क था नहीं तो बस ये पंद्रह क्वेश्चन है भाई ज्यादा नहीं है तो ये आप कमेंट सेक्शन भी बता सकते हो आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो ठीक है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप पे जो है अपना होमवर्क सेंड करते हैं कल करेंगे सिक्स क्लास ठीक है फिर सेवेंथ फिर एटथ फिर नाइन्थ तो फिर टेंथ कोशिश है कि एक एक दिन कंटिन्यू करके फटाफट फड़ सिलेबस को करें खत्म क्योंकि फिर एस्टेट और यूपी का हमें सिलेबस शुरू करना है तो सिक्सथ सेवन एट नाइन्थ और टेंथ एक दो तीन चार पाँच पाँच दिन है और पांच दिन में पाँच क्लास आपकी खत्म हो जानी चाहिए ठीक है और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू